आपको आपा कितनी जिमनी चाहिए, दो जिमनी चाहिए, तीन जिमनी चाहिए? वो सेम कमेंट मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया उस रोस्ट वीडियो पे। थोड़े से इनमें ग्लो इन द डार्क भी है। Subscribe to YPM Vlogs and like the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई फिलहाल आज है लोडी, आप सब लोगों को happy लोडी और बस अपनी करते हैं celebration start. So let's go. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. अभी ना पूरी लकड़ी सजा रहे हैं तसले के ऊपर। लकड़ी सारी है, देखो कितनी सारी लेकर आए हैं। कम से कम जलेगी एक से डेढ़ घंटा अच्छे तरीके से। बस ये जल जानी चाहिए अच्छे तरीके से, मैं ये चाह रहा हूँ। कोई इसमें हरकत नहीं होनी चाहिए ख़राब। अंकल जी आग लगा लेते हैं। अभी पहले लकड़ी भी हमको लगानी है, इसमें तो लग नहीं रही है। आप खा पी लो जल्दी जल्दी, भूख मिटा लो। इसे भूख थोड़ी मिटती है, मैंने स्नैक्स मंगवाए हुए हैं। लेट आएगा, आएगा जब भी आएगा, जब इसे बनेगा तभी तो आएगा वो स्नैक्स वाला। वाईपीएम भैया आग लगाने जा रहे हैं लोरी में। बस भैया हाँ भाई, मेरे तो बड़ा आसान था, मेरे को लगा बड़ी मुश्किल होगी। लास्ट में जो लकड़ी लेकर आया था ना मैं, वो गीली थी, ये सूखी हुई है ना, ठीक है। देख ही रहा हूँ, आप तो खाली पॉपकॉर्न वगैरह भर के बंदे को खिलाएंगे। गाइस ये लगी है ना आप कुछ बढ़िया, ये लग रही है मेरे को बहुत फुल एंजॉय। यस फुल एंजॉय। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो, क्योंकि बहुत परेशान होके ये सब किया। हाँ भाई, अभी ये राम गजर भैया ने जो करा हमारे साथ, हमको लगा अब तो हो गया पूरा खराब, लेकिन भैया बड़ा मजा आया। इसलिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भैया। अब ये स्नैक्स आए हैं लोड़ी के। मम्मा आप नीचे क्यों नहीं आ रहे? मैं कर चुकी हूँ ना ये, तो आप लोग करो। अच्छा दिन में? हाँ। ओके। स्कूल में भी हो गया। सही है मम्मा। The next day। कल लोड़ी मनाई मैंने, सीधा मैं घर पे आकर के सो गया। और जो ब्लॉग की एडिटिंग है ना, वो भी मैंने सुबह करी है, ना कि रात को, बिकॉज मेरे को नींद आ गई थी। लेकिन अपनी आपको दिखाने वाला हूँ मैं आज वीडियो स्नीकर कलेक्शन की, जो कि मैंने वीडियो थी 2020 में बनाई थी, 2021 में बनाई थी, 2022 में मैं बनानी भूल गया। एंड आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हो कभी ना कभी कि भाई वीडियो बनाओ जूतों के ऊपर। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मेरे हारे स्नीकर्स कौन कौन से मेरे पास में है, उनमें थोड़े से रेयर्स भी हैं, तो जो भी है दिखाएंगे आपको। और रही बात साइकिल की, तो इसको मैं जान के ऊपर ले आया, नीचे ना थोड़ी सी गंदी गंदी सी हो रही थी, तो कोई बात यहाँ पे साइकिल है भी, अब साफ भी होती रहेगी। नीचे यहाँ पे मेरे वेट पड़े हुए हैं सारे, तो वेट्स यहाँ पे और साइकिल मैंने यहाँ पे कर दी है। ये पूरी साफ करी है अभी है ये, और साथ में ये पेंटिंग के नीचे तो और अच्छी लग रही है। एक बार आपको ये दिखाता हूँ, लाइट लाइट है ना ये, एक बार जलाता हूँ और फिर थाई लाइट बंद करता हूँ, फिर देखना कितनी अच्छी लुक आएगी इसकी। अब देखो अभी जब ये सनलाइट आ रही है तो फिर ऐसी है, तो जो रेड लाइट है वो सीधा पेंटिंग में पड़ती है, इसका जो रेड कलर है वो एनहांस करता है और साइकिल के ऊपर ही पड़ रही है, तो अच्छी लग रही है। जब रात होगी ना फिर भी दिखाऊंगा, अभी तो सनलाइट है। जैसे ही मैं ऑटो एक्सपो गया, मैंने जिमनी देखी, जिमनी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और महिंद्रा को पता लग गया था कि भाई मारुति ऐसे निकालने वाला जिमनी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी 4x2 थार लॉन्च कर दी और लगभग सेम प्राइस रेंज में लॉन्च करी है। आप कौन सी पिक करोगे, थार या जिमनी, मेरे को बताना कमेंट्स में। रही बात मेरी, तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है जो जिमनी आती है 3 डोज के अंदर, वो सब जगह लाइक अब्रॉड वही कंट्रीज में वही मिलती है 3 डोज, तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसका जो ग्रीन कलर है वो बहुत अच्छा है, बट पापा आई थिंक मेरे को लेने देंगे नहीं, बोलेंगे ग्रीन नहीं लेना, ग्रीन नहीं लेना, रेड ही लेना है। तो उसकी बात करेंगे पापा से कि कौन सा कलर लेना है। जिमनी तो भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब पर्सनली कलर उस गाड़ी का, लुक्स उस गाड़ी की एक नंबर। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है VIP नंबर्स का, 0001, 0007, और ये भी नहीं कि सस्ते आते हैं। 0001 20 लाख का, 0007 आई थिंक ये 10-12 लाख का नंबर है। बहुत ज्यादा ट्रेंड है VIP नंबर्स का। पापा को मैंने ना बोल दिया था कि अगर जिमनी आएगी तो 000 कोई नंबर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 8055 बॉस नंबर या 1234 ऐसा कुछ नंबर चाहिए, मतलब जो दिखने में भी अच्छा लगे। और भाई फालतू 15-20 लाख रुपए का नंबर क्यों लेना, मतलब इतने की तो गाड़ी नहीं चलने का, मैं नंबर ले लूंगा तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ 8055 अच्छा है, या मतलब 1111 हो गया, 2222 हो गया, ऐसे नंबर हो सकता है। लेकिन स्पेशली 000 कभी कोई फ्यूचर में लैम्बो वगैरह परचेज करेंगे ना कभी, तो फिर उनपे तो हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो 5-6 करोड़ की, तो फिर 20-30 लाख रुपए कुछ नहीं रहते। अभी मैं जल्दी पैसिफिक मॉल आया था, बिकॉज सैटरडे का दिन ना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मैंने कॉफ़ी ले ली अपनी, मैंने गाड़ी भी बाहर रोड पे लगाई हुई है, मतलब स्पेशली पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाई मैंने, बहुत भीड़ होती है ना इसलिए, पार्किंग वाले भी फुल है। मुझे भैया कह रहे हैं गाड़ी ऐसे मत खड़ी करो, टो हो जाएगी। हमें और लग रहा है डर कि टो ना हो गई हो, बिकॉज इन्होंने बहुत देर लगा दी कॉफ़ी बनाने में। इसके आगे से निकलता था तो मेरे को लगा भाई कहाँ जाऊँगा पंजाबी बाग, पर अभी यहीं से ऑर्डर करके निकल लेते हैं। इतनी भी रोड पे नहीं है देखा जाए तो, कैन के साथ भाई मेरे को मेरी गाड़ी देखते हैं कि हाँ भाई तो नहीं हुई, तो हो गई थी आज। यहाँ तो लग गया अभी जाम, अब खुल गया,
भैया जी, ये बाइक वाले भाई बीच में आ जाते हैं एक तो। चलो आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया सी। 4 साल पहले 2019 के अंदर मैं कहीं गया था जुलाई में, और वहाँ पे एक यूट्यूबर मेरे से मिलने आता है। बार बार मेरे को भाई ने बोला कि मिलते हैं, और मैंने भी बोला ठीक है भाई आप आ जाओ, मैं आपकी सिटी में ही हूँ, तो लेट्स मीट। वो फिर यूट्यूबर मेरे से मिलने के लिए आते हैं और हम बातचीत करते हैं। उसके बाद अगले 2-3 महीने हम व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, रात को वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे बात करी रात को वीडियो कॉल पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे बात करी। एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर कि मैंने बात, उसके एक बंदा मेरे पे रोज वीडियो निकालता है और वो बंदा उसकी वीडियो पे कमेंट करता है, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हो रखी कुछ नहीं, तो वो उसके सपोर्ट में मतलब वीडियो निकाल देता है और उसकी वीडियो पे कमेंट करता है क्वालिटी कंटेंट। तो आई वाज शॉक कि भाई ये बंदा तो मेरे को 8-6 साल पहले फ़ोन करता था भाई मिल लो, एंड देन ही इज़ कमेंटिंग ऐसे किसी और की रोस्ट वीडियो पे, वो भी जो मेरे पे उन्होंने बनाई है, मतलब अगेंस्ट ही बनाई थी। तो ऑब्वियसली उसके बाद में अब आज 4 साल बाद दोबारा जो हिस्ट्री है वो दोहराई है, एक बंदे ने उनके ऊपर रोस्ट निकाला, वो सेम कमेंट मैंने कॉपी करा और पेस्ट कर दिया उस रोस्ट वीडियो पे। वही मेरे को याद आ रहा था कि भाई हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर उस बंदे ने कमेंट कर दिया, और भाई हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी, और उस बंदे ने क्या करा कि उसी वीडियो पे कमेंट जो है ना करा, और फिर मैंने अभी 4 साल बाद वहाँ से कॉपी करा वो वाला कमेंट और इसकी रोज वीडियो पे अपलोड कर दिया। एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर रीजन कि मैं दोस्त नहीं बनाता, बिकॉज पापा मम्मा हैं, अंकल हैं, तो ठीक है भाई दोस्त वगैरह क्या करते हैं आपको एक टाइम के बाद वो दबाने लगते हैं, ठीक है दोस्त है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता सब कुछ, और सब कुछ इस पास्ट में बहुत कुछ हुआ है इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और जो हिस्ट्री दोबारा से दोहराई फिर ठीक है मज़ा आया। लेकिन DTC के जो बस वाले हैं ना, इनको यहाँ से बस निकालनी थी, इस चक्कर में पूरा जाम हुआ है इस बस के चक्कर में, इतनी पतली सी रोड है और ये यहाँ से बस निकाल रहे हैं। अभी ना यहाँ पे साइकिल में आगे कर रहा हूँ, और जो वेट उनको आगे कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो शूज है उनको मैं रखूंगा, और आपको दिखाता हूँ स्नीकर कलेक्शन कैसी है मेरी, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे शूज है, एंड आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएंगे। तो ये सारे शूज है मेरे, और इसके अलावा थोड़े बॉक्सेस में भी हैं। चलो करते हैं शुरू स्नीकर कलेक्शन। तो भी वीडियो बनाते बनाते और शूज़ आ गए मेरे जो साफ़ होके आने थे, तो ये भी डाल देंगे इस कलेक्शन में। तो ये रहे सारे शूज़, एक बार इनको करते हैं बढ़िया से अरेंज। कैसे लग रहे हैं फिर ये सारे? बहुत मस्त लग रहे हैं। दिखा दूँ? चलो देखो गाइस, अब आप स्नीकर कलेक्शन 2023। ये हैं सारे मेरे स्नीकर्स, अब कितने हैं मेरे को आप बताना कमेंट्स में, बाकी जरा बात करें सारे स्नीकर्स के बारे में। तो सबसे आगे बढ़े हुए हैं एयर जॉर्डन 1 ऑफ वाइट UNC एंड टोक्यो, उसके बाद बढ़े हुए नाइकी एम्बोस, देन बढ़े हैं एयर जॉर्डन 1 लोस ट्रैविस स्कॉट, देन आप जरा सारे शूज देखो। एक्चुअली पहले जो शूज देता था ना, मैं सारे देता था कलर्स वगैरह देख करके कि कलर इसका अच्छा है उसका अच्छा है, लेकिन जो शूज सारे चारों आगे पड़े हैं वो सबसे ज्यादा रेयर शूज है, मतलब यार क्या ही बताऊँ उनके बाद। जो तो स्नीकर है जो को पता है इन शूज के बारे में कि आगे जो शूज है उनकी क्या वैल्यू है, लेकिन जो मेरे फेवरेट शूज हैं अभी इनमें से वो एक तो ये है इजी 350, एक ही फोम रनर्स है। यहाँ पे इतने सारे शूज हैं, मोस्टली सारे आपको मिलते हैं रीसेलिंग पे, इनमें से कोई भी आपको MRP भी नहीं मिलेगा। तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप कोई भी शूज खरीदो, एग्जांपल ये इजी 350, तो इसकी जो MRP है लगभग वो कुछ 19 से 20 हज़ार है, बट यू गेट दिस फॉर अराउंड 50,000 rupees, 50,000 rupees के आपको मिलते हैं रीसेल मार्केट के अंदर। और फोम रनर्स हैं इनके जो MRP लगभग 9-10 हज़ार रुपए के अराउंड है, बट अभी आपको मिलते हैं 25-26 हज़ार रुपए के जो फोम रनर्स हैं। जो मेरे फर्स्ट मॉडल्स थे वो थे ये Y0 ये मैंने इसलिए ये पूरा जो कलर है क्लाउन टाइप कलर है, बिकॉज रेड भी है नियॉन भी है, मतलब सारे कितना कलर मिक्स हैं। उसके बाद मैंने ये रेड वाले लिए थे, ये है ब्रूनो मार्स 270, क्योंकि मैं आता हूँ दुबई, वहाँ पे आपको हरे लोग वगैरह मिल जाते हैं, बिकॉज इंडिया में तो इतनी ज़्यादा आपको अच्छी कलेक्शन नहीं मिलती, लेकिन जब भी आप UAE जाओ या आप अमेरिका जाओ तो आपको बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। कमिंग ऑन टू दिस, ये मेरा लेटेस्ट स्नीकर कलेक्शन ऐड है, ये मैंने पिंक लिए थे नाइकी एम्बुश, ये मैंने इसीलिए लिए बिकॉज मेरे को पूरा एक मैचिंग आउटफिट चाहिए था, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यूनिक सा चाहिए था, इसलिए मैंने ये वैकी सा कलर लिया पिंक कलर के नाइकी एम्बुश। एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव शूज इन माई कलेक्शन इज दिस Air Jordan 1 ऑफ वाइट UNC। क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? ये क्या है? क्या है ये? हाँ? दुकान खोल लेते हैं? हाँ? क्यों? ये दुकान खोल लेते हैं? दुकान क्यों? इधर जूतों की दुकान। आपको कितनी जिमनी चाहिए? 2 जिमनी चाहिए 3 जिमनी चाहिए? बुक कर दी मैंने। कर दी? मैं कह रहा हूँ 2 जिमनी चाहिए 3 जिमनी चाहिए इसके अंदर। हाँ कम से कम आ जाएगी। यहाँ पे एक ऑफ वाइट भी है मेरे पास में, देन यहाँ पे नाइकी के ऑरेंज वाले हैं, मैं इसलिए लिए थे बिकॉज मेरे को वापस शूट मैंने ली थी ना मैकलेरन रेंट के लिए, तो मैंने स्पेशली उसके लिए शूज परचेज कर लिए थे कि ऑरेंज के साथ मैचिंग करेंगे ना, इसलिए मैंने ले लिए थे। सही है। और आपको इनमें सबसे अच्छे कौन से लग रहे हैं रेड के अलावा? नहीं रेड के अलावा ये शूज सुंदर लग रहा है मुझे, ये वाला। ये मेरा ऐसा है कि मैं रोज पहनता हूँ ये वाला, ये एवरीडे शू है, बहुत अच्छा शूज है, बाकी तो वो भी शूज ठीक है। ये कुछ लग रहे हैं अलग अलग कलर्स के हैं? नहीं
YPM. ये एक सब्सक्राइबर है मेरे, वो US में रहते हैं, तो उन्होंने स्पेशली कस्टमाइज करवा के, ये पूरे उन्होंने हाथ से कस्टमाइज करे हैं और मेरे को भेजे नहीं, तो एक्चुअल में ये शूज होते हैं ऐसे पूरे वाइट, बट इन्होंने ये पूरे सब्सक्राइबर ने मेरे पूरे कस्टमाइज करे हाथ से, हाथ से ओके, हाँ पूरा इन्होंने मेरा, फिर उन्होंने व्लॉग भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो ये उन्होंने मेरे को भेजे थे, बट उनको सबसे दिक्कत आई थी साइज ढूंढने में मेरा, हाँ तो ये सबसे खासियत है, ये पूरे जोकर थीम्ड है, ऊपर से यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है मेरा दोनों तरफ YPM। तो शूज तो भाई सारे ही अच्छे हैं, मतलब यार जो भी शूज देख लो सारे ही अच्छे होते हैं, आप सही ले लो चाहे वो ले लो, किसी ना किसी की नजर में वो अच्छे होंगे। एग्जांपल अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे रेड वाले, तो फिर मुझे अच्छे लग रहे रेड वाले, मतलब वो होता है सीन, कलर डिपेंड करता है। और अपनी लैम्बो का जो सीन है वो भी आपको बताऊंगा कमिंग ब्लॉग्स में कि क्या चल रहा है, लैम्बो का एक नया सा कुछ चल रहा है। इसके अलावा आई हैव दीज एडिडास अल्ट्रा बूस्ट, ये मेरे को बहुत ज्यादा रेयर था ढूंढने के लिए, बिकॉज मेरे को कुछ गोल्डन में चाहिए था, एंड इसके अलावा वहाँ पे 380 इजी पड़े हैं, यहाँ पे फोम रनर्स और इजी 350, तो मैंने सारे एडिडास एक ही लाइन में रखे हैं। सो दिस वाज माय स्नीकर कलेक्शन 2023। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, मेरे एवरीडे फ्लिप फ्लॉप्स जो कि मैं पहनता हूँ, ये अमीरी ब्रांड के बहुत कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा एक बस गिवॉन्ची के थे, वो गिवॉन्ची वाले पड़े हैं, लेकिन दीज आर माय रीसेंट फ्लिप फ्लॉप्स, थोड़े से इनमें ग्लो इन द डार्क भी हैं, ये देखो आप खुद देख लो, जैसे ये जोकर थीम वाले इनके आगे से ग्लो कर रहे हैं, ये एयर जॉर्डन 5 है ये आगे से ग्लो कर रहे हैं, पूरे ही ग्लो कर रहे हैं, ये वाले भी सेमी ग्लो कर रहे हैं, फिर इजी 350 को भी ग्लो है। ये नाइकी फ्लाइज है, इनकी खासियत क्या है कि मेरे को कुछ नहीं करना, ऐसे ही मेरे को अपना पैर इंसर्ट करना है और मेरे को उसके बाद में ये ऐसे बटन दबा देना है, ये नीचे दब जाता है, और जो मेरे स्नीकर्स हैं ये मेरे को डायरेक्टली ऐसे आ जाते हैं बिना कोई लेसेस लूज या टाइट करे। तो भाई ये थी मेरी स्नीकर कलेक्शन इस साल की, आप मेरे को बताओ कमेंट में कितने शूज हैं और कौन से मैं ऐड करूं, मेरे को थोड़ी से बताना अपनी चॉइसेस। बाकी अपने आज के इस व्लॉग को खत्म करते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ गाइस, बाय बाय।